कल हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर, क्या पढ़ा था थर्ड चैप्टर, आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर क्या करेंगे। कल हमने पढ़ा था ये थर्ड चैप्टर, क्या नेम है जिसका शब्द, क्या नेम है शब्द। ओके, तो आज हम क्या करेंगे थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर क्या करेंगे, थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो आज हम थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनता है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है, वर्णों से क्या बनता है, वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से शब्द बनता है। क्या बनता है, शब्द बनता है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें शब्द आएगा, क्या आएगा शब्द आएगा। जैसे ये क वर्ण है और ये र वर्ण है, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बन गया, एक शब्द बन गया। तो ऐसे क्या हो गया, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ओके, शब्द में हो सकते हैं, शब्द में हो सकते हैं, शब्द में हो सकते हैं स्वर व्यंजन या ये दोनों, शब्द में स्वर भी हो सकते हैं और शब्द में व्यंजन भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, ये दोनों। ओके, और थर्ड क्वेश्चन क्या है, इनमें अनुस्वार की मात्रा वाला शब्द है। इनमें अनुस्वार की मात्रा, इसमें अनुस्वार की मात्रा कौन से शब्द पे है, कौन से पे है, पतंग, पतंग पे क्या है अनुस्वार की मात्रा, तो इसमें क्या आएगा पतंग। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्वरों का बदला स्वरूप कहलाती है। स्वरों का बदला स्वरूप मात्रा कहलाती है। स्वरों को जब हम बदलते हैं इनको, स्वरों को जब हम व्यंजन में, व्यंजन के रूप में, व्यंजन में प्रयोग करते हैं तो किसके रूप में प्रयोग करते हैं, तो हम मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। स्वरों का बदला स्वरूप मात्रा कहलाता है, क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द में स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं। इनमें अनुस्वार की मात्रा वाला अनुस्वार ये रहा, किसमें लग रहा है, पतंग में। स्वरों का बदला स्वरूप मात्रा कहलाता है, स्वरों का बदला स्वरूप मात्रा कहलाता है। स्वरों का प्रयोग जब हम व्यंजन पे करते हैं तो किसके रूप में करते हैं, मात्रा के रूप में करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उचित वर्ण लिखकर रिक्त स्थान भरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उचित वर्ण लिखकर क्या करना है, रिक्त स्थान को भरना है, रिक्त स्थान को भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित वर्ण लिखकर रिक्त स्थान भरिए। तो क्या है, ये क्या है, जय, और ये यहाँ क्या लिखेंगे, जय ले जल, ये क्या है ले, तो क्या हो जाएगा ने ले नल, ये क्या है रे, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा घर, तो ये क्या हो जाएगा घर घर, ये क्या है मैक, तो क्या हो जाएगा, क्या हो गया ने मैक नमक, ये क्या है मैं और ये ले, तो बीच में क्या लिखेंगे मैल मै हैल महल, ये क्या है सहर सहर, बैर तैन बर्तन, ये क्या है रैद बैर गैद बरगद, ये क्या है बैत सर बैत सरबत, सर बैत सरबत। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेल कीजिए, सुमेल कीजिए कार। इसमें आ की मात्रा कहाँ पर है, कहाँ पे है, ये रही, और इसमें कहाँ है, किसमें है दास, किसमें है दास, कवि कवि, इसमें कहाँ है, ये रही छोटी ई की मात्रा कवि, इसमें कहाँ है
दिन है दिन, तीर है तीर, बड़ी की मात्रा। इसमें का है, बीच है बीच, कृषक, 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 कृषक। इसमें का है, नृप, बेर है बेर, एक ही मात्रा का है, ये रही। इसमें का है, खेल है खेल, बोल है बोल, ओ की मात्रा। इसमें का है, खोल है खोल, दौड़ है दौड़, इसमें आई की मात्रा का है, आउ की, ये रही आउ की मात्रा। इसमें का है, पौधा पौधा, हंस है हंस, इसमें कंस है कंस। ऐसे क्या करने हैं, ऐसे ही आपको मिलाने हैं, क्या करने हैं, ऐसे आपको सुमेल करना है, ओके, ऐसे आपको मिलाना है। व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राएं लगाकर नए वर्ण जोड़ते हुए शब्द बनाइए, ओके। ये किसकी मात्रा है, आ की, तो इनसे ये शब्द बन गए। ये किसकी है, किसकी मात्रा है, रू की, तो इसमें से शब्द बनाएंगे, रूप है रूप, रूई रूई। ये किसकी मात्रा है, री की, किसकी है, री की। शब्द बनाएंगे, नृप नृप, नृप नृप, नरी सनज। ये किसकी है, ऊ की, किसकी है, ऊ की, झू झू, के ना झुकना, झू मैं का झुमका। ये क्या है, ओ की मात्रा, किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा, ठो, क्या बन गया, ठो। इसे शब्द बनाएंगे, ठोकर ठोकर, ठोकर ठोकर, ठोक ना ठोकना, ठोक ना ठोकना। नेक्स्ट क्या है, मैं, किसकी मात्रा है, आई की, मैदान है मैदान, मैदा मैदा। ये किसकी है, क्या है, ये फै, आउ की मात्रा, फौज है फौज, फौलाद है फौलाद। ये क्या है, पै, किसकी मात्रा है, छोटी ई की, पीन है पीन। नेक्स्ट पीता पीता, ओके। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से राइट करने हैं, क्या करने हैं, अच्छे से राइट करने हैं, ओके। और इनको बार बार स्पीक करने हैं, और इनको अच्छे से क्या करने हैं, लर्न करने हैं। पहले क्या करोगे आप, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, क्या करोगे, शब्द को अच्छे से पढ़ोगे और इनको अच्छे से समझोगे, क्या करोगे, अच्छे से समझोगे, ओके। फिर इनके क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक के अंदर राइट करने हैं, इनको अच्छे से राइट करने और फिर इनको अच्छे से लर्न करना है, ओके ओके। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कलम पढ़ेंगे नया टॉपिक, ओके, थैंक यू बच्चों। और इनको अच्छे से लर्न करना है और अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से राइट करना है, और ये आपका वर्क आपको करना है, ओके। और शब्द चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे और इनको अच्छे से समझना है, ओके ओके, थैंक यू बच्चों।